पानी से चलता है वो दीप है, बहुत अच्छा। रंगमंच पर जब भी हम नाटक करते हैं तो और ये प्रार्थना आज से पैंतालीस साल पहले या हो सकता 46 साल पहले हम जब छोटे थे तब हमने वो किया था हयवदन नाटक, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ है ना, जिसमें शुरू की जो प्रार्थना थी उसको हमारे उदयपुर के बहुत बड़े अच्छे म्यूजिक के डायरेक्टर थे पंडित रामलाल जी माथुर जी, उन्होंने कंपोज किया था। ये सुनिए, बहुत बहुत मस्त। नमो नमो हे गजवदन विघ्नहरण गुण गणसदन बुद्धि विधाता सिद्धि प्रदाता नाटक का जो पहला श्रोता आज हमारी नाटक सेवा सफल बना दे विकट देवता। नमो 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 ये था। कितने सालों पहले गई थी आज तक याद है। अगर कोई धुन अच्छी हो मेरे इस लेक्चर के अंदर कोई भी इतनी सी भी बात फालतू नहीं होगी, हर एक का एक एक अर्थ है। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इतने सालों पहले मैंने धुन सुनी थी, गाया था और अभी तक मेरे जहन में घुसा हुआ है। आज का जो मैंने ये आपका कार्यक्रम देखा, ये कौन से त्योहार पर करते हैं? ये पुडुचेरी का त्योहार है या ये पुडुचेरी का के तेलंगाना का त्योहार था? पुडुचेरी और तेलंगाना भी। वो कौन सा त्योहार था? पोंगल। पोंगल, ठीक है। अब ये पायसम था कि क्या था? ये पोंगल। पोंगल, यस, ठीक है। देखिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी CCRT जो है इस प्रकार पूरे देश से शिक्षकों को बुलाती है अलग अलग राज्यों के, और अलग अलग राज्यों के टीचर्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ कितनी कितनी मेहनत की होगी आपने, फिर रात भर जगे होंगे आप लोग, है ना, ये प्रेजेंटेशन करने के लिए कई दिनों से। तो ये सोच के आए थे आप कि हमको ये करना ये करना, और मजेदार बात ये कि आप एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे, है ना, हर एक ने अपने तरफ से कुछ कुछ विचार किया मैं ये चीज़ लिख जाऊँगा अच्छा रहेगा, और हर एक की लाई हुई चीज़ों का यहाँ पे सदुपयोग हुआ। दिस इज इंडियन कल्चर, अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। मतलब मैं अंदर से जब मैं देख रहा था आप गा रहे थे मस्त डांस कर रहे थे और वो कृष्ण भगवान को जो मुकुट पहना उन्होंने, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। और पूरा पूरा ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे तो ग्रुप की बलिहारी ले रहा था वहाँ से, है ना। अपनी चीज़ों को देख कर के प्यार उमड़े, इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है, है ना। चलिए अब मैं अपने इस पर आता हूँ कि हम अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाओं से अलग अलग संस्कृति से हैं, हमारी जो जो लोकल संस्कृति है, अब मैं आपको वहाँ वापस हिट कर रहा हूँ जोधा, कि हमारी लोकल संस्कृति हमारी प्रादेशिक जो संस्कृति है उसको हमको छोड़ना नहीं है। वी हैव टू स्टिक टू द रियल फोक एंड ट्राइबल एंड डोमेस्टिक और द जियोग्राफिकल कल्चर इन विच वी लिव, वहाँ की चीज़ों के में उदाहरण आएंगे बहुत तगड़े तगड़े एक के बाद एक। अब जैसे मराठी है ना, अब ये क्या देखिए यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक क्या है,
कठपुतली नाटकों में मंच, लाइट और संगीत। ओके, देखिए मैं मंच को तो बहुत जल्दी से छोटे से उसमें ख़त्म करता हूँ, क्योंकि क्या है कि आपको जो मंच बनाना है वो आपके क्लासरूम में बनाना है, आपकी क्लासरूम इससे ज़्यादा बड़ी तो होगी नहीं, ठीक है। अब क्लासरूम का मंच इतना बड़ा बना दें और दर्शक ये देखेंगे तो मज़ा आएगा क्या? नहीं। आपके दर्शकों की संख्या कितनी है, दर्शकों का एज ग्रुप क्या है, है ना, इसके ऊपर आधार वो है ना। और आपका आपका जो जहाँ पे कर रहे हैं जा रहे हैं वो उसकी वास्तु कैसी है, उसका बिल्डिंग कैसी है, आप झोपड़ी में कर रहे हो या आप ऐसे उसमें कर रहे हो जिसमें ऊपर से टाइल्स हैं और वहाँ से लाइट आ रही है, क्या करेंगे? रॉड पपेट चलानी है जैसे शेडो पपेट के नाम से आप जा रहे हैं, या ग्लो पपेट चलानी है। हर एक का अपना अपना अलग अलग स्टेज होता है।